नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब के विक्रय, गांजा एवं सट्टा संचालन के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी एवं सैकड़ों सदस्यों ने थाने का जोरदार नारेबाजी कर घेराव कर थाने के सामने धरना दे दिया। बजरंगियों ने कटनी के रंगनाथ नगर थाना के बाहर धरना प्रदर्शन कर अवैध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाए जाने की मांग रखी। युवाओं ने ये भी आरोप लगाया कि रंगनाथ नगर थाना पुलिस के संरक्षण में अवैध गतिविधियां चल रही है। शराब दुकानों के सामने हमेशा शराबियों का जमावड़ा होता है, जिससे असामाजिक तत्व महिलाओं व युवतियों पर फप्तियां कसते हैं। इसके अलावा पुलिस द्वारा लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। सत्येंद्र तिवारी निवासी मदन मोहन चौबे वार्ड पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस लेने के लिए उसके साथ मारपीट की जा रही है, जिसको लेकर किया है। कटनी से हीरा विश्वकर्मा। नहीं चलेगी। आए दिन यहाँ कई अपराधी गतिविधियाँ, दूसरी बात जुआ, स्मैक, सट्टा, सभी इन लोगों के संरक्षण में और यहाँ चलाया जा रहा है। हम लोगों के बीच में उन लोगों को मना किया जाता तो वो लोग बेहद धड़ल्ले से खड़े होते हैं और बात करते कि नहीं, हम सब है, आप लोग को जो करना है आप कर लीजिए। बार बार निवेदन, आवेदन हर प्रकार से हम कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके विरोध में हम सब यहाँ उतरे हैं। और अगर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होती है तो उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे और सड़कों पर हम सभी उतरेंगे। यदि यहाँ पे सट्टा और गांजे की बिक्री बंद नहीं होती तो उसके बाद भी कंटिन्यू? बिल्कुल रोडों में आएंगे और रोडों में उतरेंगे हम लोग सब। क्या नाम है? मनीष कुमार दुबे, नगर संयोजक बजरंग दल। होना पड़ा थाने का घेराव जी, हमें मजबूर इसलिए होना पड़ा कि हमारे बीच में, हमारे वार्ड में, चौबे वार्ड, पाटक वार्ड में काफी पल्लेदार हैं। रंगनाथ थाना लगता है, रंगनाथ थाने में दिनेश तिवारी जी यहाँ के मेजर साहब हैं, या मुझे उनकी जानकारी नहीं है, ऐसा ही है। वो हमारे यहाँ के जो पैतालीस हैं लड़के लोग पल्लेदार हैं, उनको काम से उठा के ले आते हैं, इनसे 15,000 की डिमांड करी जाती है। उसके बाद ये बंदे जब सीएम हेल्पलाइन योजना में शिकायत करते हैं तो इनको थाने में बुला के जबरदस्ती इनका गला पकड़ के इनसे सिग्नेचर करवाया जाता है कागज में कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, प्रेशर में। जो कि ये भी पूछा गया कि हमारी समस्या क्या है, जैसे जिस तरीके से सट्टा और उसके बाद हमारे क्षेत्र में पूरे वार्डो में हमारे, आप इंक्वायरी करेंगे, आप मीडिया वाले हैं, सट्टा चलता है, जुआ चलता है, ये कैसे चलता है, गांजा बिकता है, सब चलता ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो अवैध दारू, सट्टा, गांजा कहाँ से, आप बताएं ना। ये दिनेश तिवारी जी साहब हैं, संरक्षण देते हैं, खुला बोलते हैं कि पुलिस के संरक्षण में आधा घंटे से ऊपर होते जा रहा क्या जी। अभी हम और प्रदर्शन करेंगे, अभी हमारी डिमांड पूरी, हमको दिनेश तिवारी साहब को यहाँ से हटाना है क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये पल्लेदार कहाँ से 15,000 लाएंगे? अभी तक थाना प्रभारी आपसे जी, थाना प्रभारी साहब अभी नहीं आया तो क्या करेंगे जी? हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं आते उग्र आंदोलन करेंगे और ज्यादा के अंदर घुसेंगे। जी, मेरा नाम मोनू यादव है, बट्टा मोहल्ला चौबाट, मदन मोहन चौबाट। यहाँ थाना क्षेत्र के वार्ड जनता लोग हैं, ये जो सीएम हेल्पलाइन वगैरह और जो शिकायत इनके द्वारा की गई है उसमें ये संतुष्टि नहीं जाहिर कर रहे हैं, उसको लेके यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। क्या आरोप लगा रहे हैं? ये है कि किसी दूसरे का नाम, किसी मामले में किसी दूसरे का नाम जबरन फंसा दिया गया, उसकी जांच की गई है। जैसे मैंने कहा ASI तिवारी हैं अपने यहाँ, उनके वो विवेचक हैं, वो उनको जैसा वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, उनको जिस प्रकार का लगा होगा तो उन्होंने उस हिसाब से काम किया होगा। अब इनको लग रहा है कि हो सकता है कि वो गलत नाम लिखा गया है, तो उसकी जो भी है जांच की जा रही है। इसके अलावा ये इलाके में जो जुआ सट्टा चल रहा है उसके लिए भी आप कोई कार्रवाई करेंगे क्या? कार्रवाई लगातार चलती है और लगातार चल रही है, जो भी अवैध गतिविधियाँ होती हैं उसकी लगातार कार्रवाई चल रही है। इसके बाद भी जो सट्टा चल रहा है वो बंद हो जाएगा? बिल्कुल सट्टा वाली और ये सब सबकी कार्रवाई चल रही है ना, जो भी है बिल्कुल कार्रवाई।